गाइस 24 जनवरी 2024 को OB43 अपडेट आने वाला है। तो इस अपडेट में गाइस हमारा फ्री फायर कौन से एनएम के साथ कोलैबोरेशन करने वाले, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे हिंट देने वाला हूं, साथ में आप लोगों को कुछ अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में पता चलेगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हमारा एडवांस सर्वर कब आएगा। सो गाइस और 7 दिन के अंदर आप लोगों को फ्री फायर एडवांस सर्वर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे गाइस आप लोग कुछ इस टाइप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग फेसबुक या गूगल से लॉगिन कर सकते हो। तो जो लोग भी भाई एडवांस सर्वे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, 1 हफ्ते तक वेट करो, आप लोग को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे एडवांस सर्वर OB43 स्पेशल आने वाला है। देन अभी गाइस कुछ पेंडिंग आइटम्स की बात करते हैं जो इस बार अपडेट के बाद पॉसिबल की आ सकता है। सो यहाँ पे गाइस एक नया लॉबी एंट्री एनिमेशन जो पेंडिंग पे, जिसका मैं अचीवर स्टेप, तो मुझे लगता है गाइस अभी तक हमारे गेम के अंदर इस एनिमेशन को लॉन्च नहीं किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताना गाइस ये वाला एनिमेशन आया है या नहीं आया है। मेरे भाई जानने के मुताबिक अभी तक गेम पे लॉन्च नहीं हुआ। तो आप लोगों को इस अचीवर थीम पे ये लॉबी एंट्री एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, जो गाइस हमारा ईवो G18 के ऊपर बेसिस है। तो जी हाँ गाइस, हमारा जो ईवो G18 है इसका नाम है अल्टीमेट अचीवर। तो अचीवर थीम पे यहाँ पे लॉबी एंट्री एनिमेशन, फिस्ट स्किन, गन स्किन, ऐसे बहुत सारे आइटम को डिजाइन किया गया है। तो इस बार गाइस गैरिना वाले बहुत सारे आइटम प्लान कर रहे हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को धीरे धीरे टाइम आने पर रिवील करके बता दूंगा। उसके लिए गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहो। अभी बढ़ते गए हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सो यहाँ पे गाइस एक इमोट देख पा रहे हो जिसका नाम है स्पॉटलाइट ग्रोवर, जो गाइस बहुत ही डांसिंग मूव के साथ एंट्री करता है। तो गाइस मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, ये जो लॉबी एंट्री एनिमेशन है 7th एनिवर्सरी स्पेशल डिजाइन किया गया है। आप लोगों को OB43 अपडेट के बाद 7th एनिवर्सरी स्पेशल लॉबी एंट्री एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ और भी प्रूफ दे देता हूं। तो गाइस यहां पे लेजेंड से स्पेशल एक नया सॉन्ग आने वाला है, जिसके स्पेशल जॉकेट डीजे वायरल एक न्यू इमोट को डिजाइन किया गया है। तो यहां पे जो इमोट देख पा रहे गाइस ऑलरेडी गेम पे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, तो आप लोग इवेंट से क्लेम कर पाओगे। तो डीजे आलोक के साथ वापस से मेगा कोलैबोरेशन स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो इस बार तैयार रहना 7th एनिवर्सरी भाई पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत ही कमाल कमाल के डिजाइन एंड अपडेट आने वाला है। और अभी कुछ पेंडिंग और भी एनिमेशन इमोट है, जैसे कि बुलेट मास्टर। तो कैसे किस थीम पे बनाया गया अभी तक तो इसका लीक पता नहीं चला, लेकिन कैसे जो लॉबी एंट्री एनिमेशन है भाई बहुत ही कमाल का एंड खतरनाक है। तो आप लोग देख पा रहे हो, तो आप लोग के बुलेट मास्टर वाला लॉबी एंट्री एनिमेशन इमोट कैसा लगेगा कॉमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ में गाइस और एक इमोट है जिसका नाम है जिग जैकर। तो पॉसिबल है कि आप लोगों की ये 7th एनिवर्सरी स्पेशली देखने के लिए मिलेगा भाई। ये बहुत ही मूवमेंट स्पीड फास्ट है एंड आप लोगों की नया लॉबी एंट्री एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिला के ही कुछ लॉबी एंट्री एनिमेशन पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, तो मैंने आप लोग को एक एक करके बता दिया कौन सा किस चीज का है। अभी गाइस बढ़ते हैं हमारे आज का वीडियो का मेन टॉपिक की तरफ, कि भाई फ्री फायर कौन से एनआईएम के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है। तो अभी मैं आप लोग कुछ एनआईएम के बारे में दिखाने वाला हूँ जो सर्वे में आया था, लेकिन इनमें से कुछ ही एनआईएम के साथ कोलैबोरेशन होगा। जैसे कि सबसे पहले देख पा रहे हो ड्रैगन बॉल जेट, जो बहुत ही कमाल का है, जहाँ पे एनिमेशन के साथ आप लोग को बंडल और ड्रैगन थीम पे इवेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे भाई 2 बंडल आ सकते हैं अगर इसके साथ कोलैबोरेशन होगा तो तभी। देन गाइस यहाँ पे और एक कोलैबोरेशन है, मुझे इस एनिम के नाम पता नहीं है, सच बता रहा हूँ, जिसको पता होगा कमेंट पे लिख देना नाम। तो यहाँ पे 2 बंडल होगा, साथ में पायरेट फ्लैग जैसा कुछ फ्लैग बनाया जाएगा, साथ में कटना भी होगा ग्रीन कलर का। तो ये दूसरा एक कोलैबोरेशन के बारे में पूछा गया। देन यहाँ पे और एक कोलैबोरेशन है, जहाँ पे भाई बहुत ही मस्त एंड कलरफुल बंडल डिजाइन किया जाएगा। अगर गाइस इस एनआईएम के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट होता है तो इस स्पेशल आप लोगों के सब बंडल देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पे इस बंडल में बहुत ही कमाल का इमोट भी बनाया जाएगा। तो इसके बाद अगर पोकेमन के साथ कोलैबोरेशन होता है गाइस, अगर होता है तो आप लोगों को ये वाला बंडल देखने के लिए मिलेगा, साथ में पोकेमोन कुछ क्रिएचर भी डिजाइन किया जाएगा, जो पेट होगा न्यू पेट। तो देखते हैं गैरिना किसके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। एंड इसके बाद कुछ और भी एनएम वगैरह है जिनकी स्पेशल आप ये 3 बंडल डिजाइन किया जा सकता है, अगर इनके साथ कोलैबोरेशन होता है तो तभी जाके इनकी स्पेशल सब बंडल आएगा, जैसे कि रोबोटिक हैंड भी रहेगा। और यहाँ पे कुछ भाई डेविल टाइप का क्रिएचर को बनाया गया है, तो ये सब नहीं आएगा क्योंकि सर्वे में भाई जो सब पूछा गया था उनको फिल कर दिया गया है, लेकिन बंडल ऐसा उतना खास तो मुझे लगा नहीं। इसके बाद गाइस कुछ और भी बंडल है जो बहुत ही छपरी टाइप का है एंड भाई कुछ क्रिंच टाइप का ही है, तो इनको भाई नहीं आएगा, कोलैबोरेशन बहुत ही बेकार लगेगा अगर इनके साथ करेगा तो। देन यहाँ पे कुछ और भी है भाई, सामुराई जैसा लग रहा है, जिनके स्पेशल कुछ मार्क्स होगा रेड एंड ब्लैक कलर का,
साथ में कुछ बंडल भी थोड़ा अजीब टाइप का है। और यहाँ पे एक पारंग स्किन रहेगा जो बहुत ही लंबा सा है। देन यहाँ पे गाइस और एक कोलैबोरेशन है जहाँ पे एक मेल और फीमेल कैरेक्टर है, मतलब ड्रेस वगैरह है। तो पॉसिबल है कि आप लोगों को जो वैलेंटाइन स्पेशल इवेंट है उसके स्पेशल ऐसा बंडल डिजाइन किया जा सकता है। ये वाला कोलैबोरेशन स्टार्ट होने का चांस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इनकी स्पेशल कुछ कटना होगा। देन यहाँ पे कुछ और भी बंडल वगैरह है और ये सब शायद से नहीं आएगा क्योंकि सर्वे में था। देन यहाँ पे गाइस पर्सोना रॉयल नाम का एक और कोलैबोरेशन हो सकता है। अगर इनके साथ कोलैबोरेशन होता है तो 4 बंडल होगा, 2 फीमेल का और 2 मेल बंडल का, तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, उतना बुरा भी नहीं है। देन यहाँ पे आते हैं थोड़ा क्रिंज टाइप के बंडल्स जो देख पा रहे हो, फीमेल का 2 बंडल होगा एंड यहाँ पे रोबोटिक बंडल होगा 3 बंडल, यहाँ पे 2 बंडल ऊपर देख पा रहे हो एंड यहाँ पे एक फायरी टाइप का है। अगर इनके साथ भी होता है तो इस टाइप के बंडल डिजाइन किया जाएगा। देन यहाँ पे लास्ट है हैरी पॉटर। तो जी हाँ गाइस, एक लीक निकल के आया था कि हैरी पॉटर के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। अगर होगा तो यहाँ पे कुछ बैच और एक ड्रेस वगैरह, झाड़ू और यहाँ पे कुछ स्टेप के आइटम मिलेगा। तो देखते हैं सर गैरिना इन सब एनएम में से कौन से एनएम के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक एनएम के साथ OB43 में जरूर कोलैबोरेशन करेगा। अभी आप लोग कॉमेंट करके बताना कौन से एनएम का नाम क्या था और किसके साथ कोलैबोरेशन होगा, तो आप लोग खुश हो जाओगे, कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद गाइस पॉसिबल कैरेक्टर की बात करें तो आप लोग कुछ इस टाइप का डुओ टाइप का कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकता है जहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है वो ट्रांसप्रिंट होगा। तो देखते हैं सर गैरिना कौन से कैरेक्टर लाते हैं इस बार OB43 में। एडवांस सर्वर 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा तो उसमें प्रॉपर डिटेल्स पता चल जाएगा कौन सा नया कैरेक्टर आने वाला है। अभी बढ़ते गए हमारा रैंक स्पेशल अपडेट की तरफ। तो 1 तारीख से आप लोगों को कुछ क्रेट मिल सकता है। इन बॉक्सेस के अंदर आप लोगों को रैंक टाइम के पुराने जो ड्रेस वगैरह उनका कुछ पार्ट और पूरा ड्रेस भी मिल सकता है, नहीं तो कोई भी बैकपैक वगैरह मिल सकता है। इस क्रेट के अंदर कोई भी कचरा आइटम को ऐड नहीं किया गया है। तो भाई रैंक के जितने सारे आइटम है उनके स्पेशल ये सब रिटर्न आने वाला है। लेकिन गैस इन सब बॉक्सेस को लेने के लिए आप लोगों को एक स्पेशल वाउचर की जरूरत पड़ सकता है जो देख पा रहे हो, इसका नाम है प्ले टाइम वाउचर। तो अगर आप लोग गेम प्ले करोगे तो आप लोगों को प्ले टाइम वाउचर मिलेगा। इन वाउचर से आप लोग स्पिन या एक्सचेंज कर सकते हो ये सब बॉक्सेस को। तो गैस आप लोग को 1 तारीख के बाद ऐसा हमारा कोई रैंक रॉयल देखने के लिए मिल सकता है। अभी गाइस टाइम आने दो, बहुत सारे चीजें रिवील होने वाला है, एक एक करके मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा। और 1 तारीख को गाइस हमारा रैंक स्टोर पे थोड़ा सा चेंजेस आने वाले, आप लोग कुछ इस टाइप का लुक वगैरह देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे ओपीओपी चेंजेस आने वाला है। इसीलिए गाइस कुछ दिनों से हमारे गेम के अंदर कोई भी इवेंट नहीं आ रहा और जो सब इवेंट आ रहे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड अभी बढ़ते गाइस हमारे गेम पे आने वाले एक न्यू इवेंट की तरफ। तो गाइस 19 तारीख को आप लोग को विंटरलैंड टैग टीम देखने के लिए मिलेगा जो 25 दिसंबर तक चलने वाला है, जहाँ पे गाइस आप लोगों को ये जो बंडल है ये बंडल रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं उस इवेंट के अंदर। अभी इवेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा वो तो पता नहीं चला, लेकिन इवेंट का रिवॉर्ड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये जो बंडल है गाइस आप लोगों को फ्री में मिलने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ में गाइस और एक बंडल को लाया जाएगा जो ग्रीन कलर का, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इस बंडल को भी रिटर्न किया जाएगा, बहुत ही कमाल का है। तो क्रिसमस स्पेशल गाइस 25 दिसंबर को आप लोग ये सब बंडल को एक्सचेंज या क्लेम कर पाओगे। देन यहाँ पे गाइस आप लोग कुछ कैरेक्टर के स्किल स्किन मिलने वाला है, जैसे कि हमारा टर्टसुआ और हमारा होमर कैरेक्टर है, इनका आप लोगों को स्किल स्किन परमानेंट के लिए भी मिल सकते हैं, तो टेम्पोररी दिया जाएगा। तो 19 तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक टैग टीम नाम का इवेंट शुरू हो जाएगा, तो तैयार रहना अगर इनको कम्प्लीट करना चाहते हो तो। तो आज के लिए भाई इतना ही कुछ अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड गाइस आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं इतना लेट वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, टाइम पे क्यों नहीं डाल रहा, तो गाइस देखो रिसेंट टाइम पे कोई भी कॉन्फर्मेशन अपडेट नहीं है और फिलहाल के टाइम कोई भी न्यूज नहीं मिल रहा, तो इसलिए न्यूज ढूंढने में और सही न्यूज देने में थोड़ा टाइम लग रहा है और एग्जाम चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा टाइम टू टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को कोई ना कोई जल्दी जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी एक परफेक्ट टाइम बना लेंगे, फिर आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाएगा। तो भाई आज के लिए भाई इतना ही है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।